यूनिसेफ उत्तर प्रदेश 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ गोरखपुर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन में एक चुनौती विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन तहसील सदर सभागार में किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्घाटन सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम फाइनेंस विधान जायसवाल, एचडीएम गजेंद्र कुमार, मिस रुथ एल लियोनो चीफ उत्तर प्रदेश यूनिसेफ एवं डॉक्टर उर्वशी चंद्रा परियोजना अधिकारी उत्तर प्रदेश यूनिसेफ द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं ने जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन में एक चुनौती विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान एनडीआरएफ टीम द्वारा आपदा तथा राहत का मॉक ड्रिल किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ अनुज सिंह ने कहा, कार्यशाला को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यानी ये मौसम का बहुत ज्यादा परिवर्तन होता जा रहा है। अगर इसी कड़ी में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया गया है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेड है और कभी भी हो रही है, तो यानी आपदाओं का जो ये स्वरूप है ये बदलता जा रहा है। बदलते स्वरूप को अगर हमने नहीं समझा और अभी उसके लिए हम लोग विरासत में कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं सिवाय तबाही के। हम लोग चीजों को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अधिक से अधिक कम क्लाइमेट चेंज का जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो हम लोगों के जो डेट हो रहे हैं, इन सब वजहों से तो बदल रहा है। और इस आपदाओं में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वे महिलाएं और बच्चे होते हैं। तो सबसे ज्यादा वर्नेबिलिटी बच्चों पे और महिलाओं पे होती है। अब उसमें एज ग्रुप भी हम लोग अगर डाल देंगे तो उनके सहयोग से आपदा प्रबंधन के मामले में जो निधि है और जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है और इसको हम लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी इन सब चीजों को लेकर के हमारे बीच में एनडीआरएफ और ये वर्ल्ड बैंक के भी एनालिसिस है कि अगर हम उसकी तैयारी पर जितना खर्च करते हैं, अगर हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद अगर कभी हमें आपदा की स्थिति में जूझना पड़ता है तो उसका 1/10 हमें खर्च करना पड़ता है। अगर हमें आपदा की तैयारी में नहीं करी और उसके बाद कोई आपदा का सामना करना पड़ता है तो उस टाइम पर जो व्यवस्था हमारी गड़बड़ होती है, जो हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है, जो हमारी मैन पावर अधिक लगानी पड़ती है, तो उसकी तैयारी में हमें उसका मात्र 1/10 हमें खर्च करना पड़ता है। इंग्लिश में कहावत है जो भोज के लिए लागू होती है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लड इन वॉर। तो जितनी हम अभी यहाँ पर अपनी मेहनत कर लेंगे, अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे, जो हमारा होमवर्क है, जो हमारा वर्कआउट है, वो यहाँ पर जितना अच्छा हो जाएगा उस समय पर हमें उतने ही कम समय में और बहुत व्यवस्थित तरीके से उस चीज को किया जा सकता है। इसी क्रम में जो अलग अलग तहसीलों में कार्यशालाएं आयोजित की गई है, आज सदर तहसील में ये अंतिम कार्यशाला है। इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें भविष्य में मिलने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग के सहयोग से हमारी टीम वर्क से बहुत अच्छा कार्य होगा। इसके पीछे काफी मेहनत करना पड़ा था, मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का निर्देश आशीर्वाद बार बार मिलता रहा है। इसमें सारे बंदे हमारे 66 बंदे हैं, सभी बंदों की प्रॉपर चेकिंग, उनके रैन कट, रैट होल, आप सभी लोग लेखपाल होंगे, यहाँ पे आप लोग गए होंगे, आपके अधिकारी आपको लेके गए होंगे, अपने अधिकारियों को आप लेके गए होंगे, हम लोगों ने भ्रमण किया है, जिलाधिकारी महोदय ने भ्रमण किया है। और आज की स्थिति में यह है कि यदि कहीं से कोई कंप्लेंट या कहीं कोई सूचना आती है कि ये डैम्स में कहीं ग्रेड कट हो गया है या कहीं कोई दिक्कत है, तो तुरंत अगले दिन जाके कोई उसको अटेंड करता है उसी समय और उसको आगे एनफोर्समेंट और उसकी कार्रवाई करता है। An organization is pleased to partner with the district administration, with the NDRF, on preparedness. Is that preparedness comes in a package. And by that I mean you have the tools, we have the automatic weather station, we have the skills, and today we will have hands-on practical skills, care of our
support from NDRF. But one important point in the package are the people. You are important, and of course, communities. The people in the communities are important. And that's why we are here. ये हमारे दो तहसील खासतौर से खजनी और गोला को ये अफेक्ट करती है और ये गोरखपुर में 77 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ऑलमोस्ट 6 नदियां हैं लेकिन गोरखपुर में 13 नदियों का पानी आता है और 13 नदियों का पानी गोरखपुर से होकर के निकलता है। इसलिए बरसात हो या न हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। उनको जानने के लिए बहुत जरूरी और खास तौर से हमारे जो राजस्व की टीम है उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सदर तहसील भूकंप के सेस्मिक जोन 4 में आता है। 2 जोन्स 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 2, 3, 4 और 5, 1 हटा दिया गया है। जब लातूर में भूकंप आया तो ये मान लिया गया कि भूकंप कहीं भी आ सकता है, इसीलिए जोन 2, 3, 4 और 5 में लिया जाता है। और 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप आया था। कितने लोगों ने भूकंप को महसूस किया था गोरखपुर में? हाथ खड़ा करते हैं। सब मिलाकर के गोरखपुर में महसूस किए गए थे। और अन्यथा नहीं था कि छोटे बड़े झटके हमेशा आते रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने आप को बेटर वे में प्रिपेयर कर लें ताकि हम लोग इन सभी डिजास्टर्स में जैसे पहले हम लोगों ने इसको डील किया है और बेहतर रूप से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। तो ये 40 केजी का वेट को आराम से उठा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 120 केजी वेट है तो उसको 5 क्वार्टर में 40 केजी हो गया, तो 40 केजी वेट बचेगा पानी। लेकिन कभी भी हमेशा एक क्वार्टर एक्स्ट्रा रखें। मान लीजिए 120 है तो 6 क्वार्टर का इस्तेमाल कर लें। अगर 100 केजी हमने 5 क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे, उस पर ढक्कन लगा हो, वो ओपन ना हो, ऐसा ना कि कहीं से 600 और 500 दवाई कर सकते हैं। विभीषिका का सामना नहीं करना पड़ा जो कि पिछले वर्ष हमें करना पड़ा था। आप में से कई लोग उस समय मौजूद थे। उस विभीषिका से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी अपनी गलतियों पे हमने लुक बैक किया, उसका अवलोकन किया एक बार जब आपदा टल गया उसके बाद। और काफ़ी सारे बदलाव हैं जो ये इतनी तैयारी से संबंधित जो बैठ के हो रही है, कार्यशाला हो रही है, ये उसी का नतीजा है। और इसका मेन एम है कि हम लोग सबसे पहले तो इस बात को समझें कि आपदा प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ राजस्व एवं आपदा विभाग का काम नहीं है। आपदा विभाग नाम है और उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय हैं, लेकिन ये एक क्रॉस डिपार्टमेंटल एफर्ट है। इसमें सभी विभागों को लगना होता है। कोई आपदा आती है उस समय सारे काम रुक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन का ही काम चलता है। इसमें मुख्यतः जैसे हमारे पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभागों का इसमें एक संयुक्त एफर्ट होता है। जब हम आपदा की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में और जैसा समय है तो हमारे दिमाग में सिर्फ बाढ़ का ही एक ख्याल आता है। लेकिन जैसा कि अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताया गया कि आपदा कई प्रकार के होते हैं। इसमें बाढ़ भी होता है, सूखा भी होता है। कई बार सूखा घोषित हो जाता है लेकिन जब हम आप बाहर निकलते हैं तो हमें उस सूखा का एहसास नहीं होता, लेकिन वास्तविकता में सूखा रहता है। पानी की किल्लत नहीं हो रही है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तब हम देखते हैं कि सूखा घोषित हुआ है। एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, आप सभी के पास भी कई ऐसे लोग आते होंगे जिनको अपना डे टू डे खर्चा चलाने की दिक्कत आ रही होती है। इन सबका उपाय आपदा प्रबंधन में है। जितने भी समस्याएं आपको लगता है कि बाढ़ के टाइम में, सूखे के टाइम में आ सकती हैं, उन सभी का जवाब सरकार ने उन सभी सिचुएशन के बारे में सोच के सभी का एक जवाब उसने बना रखा है कि किस तरह से जो आम नागरिक है उसको हम लोग सहायता दे सकते हैं। तरह से पहुंच गया है तो किस तरह से अगर कोई विक्टिम मिल गया है तो उसे ऊपर से नीचे किस तरह से उतारेगा? ऊपर की तरफ ले जाइए बिल्डिंग पे, जहां से दो रेस्क्यूअर मिलके एक विक्टिम को स्टेबलाइज करके रोप के माध्यम से किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं सस्पेंशन मेथड। ये इंजर्ड पर्सन है, इनको ठीक तरीके से स्टेबल कर दिया गया है स्ट्रेचर पे, इन्हें रोप के माध्यम से बिल्कुल स्टेबल कर दिया गया और कुछ
रोप रेस्क्यू उपकरणों के माध्यम से इन्हें ऊपर से नीचे धीरे धीरे लाया जा रहा है। बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में भी जाने के लिए कर सकते हैं बहुत ही आसानी से दिखते। इसका उपयोग आप बाढ़ के भी सीजन में कर सकते हैं। यदि अगल बगल दो बिल्डिंग है वहाँ कोई फंस गया कि बाढ़ आ गई है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में किसी विक्टिम को शिफ्ट करना है, तो रोप का इस्तेमाल करके आप वहाँ भी विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको दिया जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं अल्पाइन मेथड। इसमें विक्टिम को रोप के माध्यम से बिल्कुल स्टेबल कर दिया गया है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें रोप के कुछ उपकरणों द्वारा स्टेबल करके ऊपर से नीचे की तरफ किस तरीके से लाया जा रहा है उसका डेमो अभी आप देख रहे हैं। देखिए एक विक्टिम किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल आसानी से, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही इस समय। एक विक्टिम नीचे की तरफ फुल बॉडी सीट हार्नेस की सहायता से धीरे धीरे आ रहा है। ऊपर से एक रेस्क्यूअर एक रोप के, ये विक्टिम बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया और यहाँ इन्हें अपना सारा काम पूरा करने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखिए इस इवेंट का नाम है सीट रोपलिंग। सीट रोपलिंग की सहायता से विक्टिम हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है। आपदा से संबंधित जागरूकता के लिए, क्योंकि बचाव ही सबसे अच्छा उपाय होता है, उसके लिए विभिन्न तहसीलों में और यहाँ मुख्यालय में सभी जगहों पे बहुत अच्छे कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आपदा से संबंधित सभी लोग, ब्लॉक के कर्मचारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, सब ने उसमें प्रतिभाग किया है और उनको विधिवत एक ट्रेनिंग दी जा रही है।